अष्टकर्मालिस कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। यानी कि स्टेटस उसका जैसे आज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पूरा भारतवर्ष का वो मुखिया था, तो उसी तरह से लॉर्ड कॉर्नवालिस भी मुखिया था। वो तीसरी बार, अमूमन आप गादीपुर की किताबों में पढ़ेंगे कि दोबारा आया, दोबारा नहीं है, तिबारा आया जुलाई 1808 में, कलकत्ता उतरा। तो उसको बीमारी पहले से थी, पेट में उसके संक्रमण था, तरह तरह की उसके आंतों में बीमारियां थी, और उस वो डॉक्टर दवाएं लेकर के आया था। डॉक्टर ने उसके नोट लगाया था कि तुम्हें जो है वो माहौल ठंडा रहना चाहिए, ऐसी जगह रहिए जहाँ पे आप ठंडा आपको रहे, गर्मी जहाँ रहेगी तो आपके पेट की बीमारियां जो हैं बढ़ सकती हैं। लिहाजा होलकर जो थे उनसे युद्ध हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो सिलेंडर कर नहीं रहे थे। उसी तरह से सिंधिया का भी मामला था, राजा सिंधिया का भी मामला था, ये भी सिलेंडर नहीं कर रहे थे क्योंकि जनता उनके साथ थी। तो जो ब्रिटिश सेना, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी वो युद्ध रत्न थी, लड़ाई हो रही थी और उसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस से लगातार होता जा रहा था। उसमें बातचीत कैसे मतलब होती थी? उसके हलकारे लोग आते जाते थे, और ख़ास करके नदी के द्वारा जो थे ना वो जैसे कहा जाए मैसेजेस भेजे जाते थे और आते थे। वही एक रूट था, क्योंकि उस वक्त अभी तक सड़कें गादीपुर की हों या कहीं और अन्य स्थानों की, वो अभी लिंक्ड अप नहीं हुई थी, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, कंकड़ों की थी, तो उस पर चलना मुश्किल होता था। तो अधिकतर जैसे कहा जाए कि व्यापार हो या आवागमन का हो, वो नदियों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगहों पे वो हलकारे भेजे जाते थे। उसका पूरा एक डिपार्टमेंट था अपडेट करने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वहाँ से न्यूज़ आती थी कलकत्ता, और कलकत्ता से न्यूज़ आती थी कि अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि हम आ रहे हैं फौज लेकर के। तो वहाँ से पूरी एक सेना के साथ वो चला, उसको आगे भी फौज कवर कर रही थी, पीछे भी फौज कवर कर रही थी गंगा के द्वारा। तो जब चल रहे थे तो वहाँ के एक मेडिकल सेटअप हुआ वहाँ पे डॉक्टरों का, और उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन में कुछ दवाएं ऐड किया कि ये दवाएं आप खाती रहिए। उसको हल्का हल्का बुखार वहीं से था, और पेट उसका ख़राब था, पेट में उसके आंतों में वर्म था, जैसे सूजन थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि बहुत इसको संभाल करके इनको ले जाइए, लेकिन बहुत बहादुर था, उसका विल पावर बहुत था। उसने कहा कि हमको जाना है वो उस उन लोगों को सहायता के लिए। तो वो कलकत्ता से वो चला है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही है, और पटना के पास जब पहुंचा है तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई है। तो उसका जो पीएत है बाकायदा पूरी एक मिनिस्ट्री जैसे कहा जाए उसके साथ थी, और तरह तरह के सेक्रेटरीज उसके साथ साथ चल रहे थे, कोई एक आदमी दस आदमी नहीं थे बल्कि 300 लोग उसके साथ फ्लीट में थे उसके साथ साथ। और जहाँ जहाँ वो मेन रुकते थे अगर, तो वहाँ पे बाकायदा वो सलाह मशवरा होता था, तो और वहाँ से लेटर्स लिखे जाते थे। उसमें कम से कम मैंने जो देखा है 80 लेटर्स लिखे गए हैं, जो कलकत्ता से लेकर के, और जो लिखा है इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 18 लेटर्स लिखे हैं उसने। आज भी संरक्षित हुए लाइब्रेरी, मैं जब ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन गया तो वहाँ 3 महीना मैं रहा वहाँ पे, वहाँ पे ये सारे ओरिजिनल लेटर्स जो हैं ब्रिटिश लाइब्रेरी में सब रखे हुए हैं। और फिर वहाँ पे इंग्लैंड से लंदन से 1838 में इन सारे पत्रों को फिर छापा है, 3 वैल्यूम में 3 खंडों में, रॉस करके एक था स्क्वायर करके वहाँ पे बहुत बड़ा ऑफिसर और बहुत बड़ा लेखक, उसने किताब 3 वैल्यूम में लिखी। तो इन सारे लेटर्स को लिखा है, वो छापा है उसने। तो कल जब हम पटना से वो चलता है आके, तो वीरपुर के पास उसकी तबीयत बेहतहा ख़राब हो जाती है। तो उसके जो पीए था रॉबर्ट्स था, उसने बनारस के रेसिडेंट्स को उसने लिखा कि इसकी सेहत जो है इसकी एकदम चिंताजनक हो रही है, ये लगता है कि मर जाएगा। तो ऐसा है कि आप तुरंत अच्छे डॉक्टरों को, क्योंकि इलाहाबाद में उस वक्त कैपिटल थी, तो इलाहाबाद से सारे डॉक्टरों को आप बुला लीजिए, बनारस से जितने इकट्ठा किए रहिए आप, हम तुरंत लेकर के आ रहे हैं। तो बड़ी तेज़ी से वो चले हैं आगे। लेकिन गादीपुर शहर में जब पहुँचे हैं ये, तो
तो उसकी हालत एकदम बिल्कुल ख़राब हो जाती है, लगता है कि ये अब यहाँ पे ये आखिरी सांस ले गया। तो उसको वहाँ से उठा करके, जैसे 8 आदमी उसको उठा करके गोरा बाज़ार, जो उस वक्त कंटोनमेंट एरिया था, उस वक्त गोरा बाज़ार का भी नामकरण नहीं हुआ था, कंटोनमेंट एरिया था वो 175 बीघे के अंदर, तो वहाँ जो अंग्रेज़ों की, जो अंग्रेज़ ऑफिसर्स जो थे, मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उनके कोठियाँ थी, उसी एक कोठी जो गंगा के तट के ऊपर है उसको वहाँ पर लाया गया। और 8 दिन तक उसका इलाज चलता रहा, बनारस से भी डॉक्टर आए, उसके साथ जो मेडिकल डॉक्टर उसके साथ थे उन लोगों ने भी उसको देखभाल उसी कर रहे थे। तो यहाँ से बाकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर था उसके सारे ऑफिसर्स परेशान थे कि अब क्या है, क्या है, क्या अपडेट होते। तो गादीपुर से इन 8 दिनों में वो जिंदा गादीपुर शहर में रहा है, 8 दिन तक यहाँ रहा है। लोगों ने लिखा है कि गौसपुर में उसका देहांत हो गया, अधिकतर लोगों ने, बगैर कोई प्रूफ के। बल्कि 8 दिन तक तो उसके जो, बल्कि यहाँ पे तो एक एक पत्र उसके अंदर एक ये भी लेटर मिलता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जब होश में आया तो उसने वो जो होलकर हैं उसकी पोजीशन के बारे में पूछा कि क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या अपडेट है वहाँ पे, अभी सरेंडर हुआ कि नहीं, ये बात भी उस लेटर में लिखा है। और यहाँ से 13 लेटर लिखे गए इन 8 दिनों में, जो कि इसकी सेहत के लिए, इसकी गिरती हुई हालत के लिए, नाजुक स्थिति के बारे में वो बराबर जो है बनारस और इलाहाबाद जो है गवर्नर जो वहाँ बैठता था उसको वो सूचना आदान प्रदान की जा रही थी। अंत में 8 अक्टूबर 1808 में वो मर गया। 26 सितंबर को आया था यहाँ पे, 26 सितंबर को गादीपुर में वो आया था और 8 तारीख को वो उसकी डेथ होती है, 8 को या शायद 4 को ऐसी कुछ डेथ होती है। कुल 8 दिन गादीपुर में रह पाया है उसने। तो जब उसका देहांत हो जाता है तो एक शोक संदेश, कंडोलेंस मैसेज करके उसके रॉबर्ट्स ने और उसके और जो अधिकारी थे उन्होंने गवर्नर को बताया। उसके बाद फिर एक लेटर भेजा गया बनारस को, रेसिडेंस था, क्योंकि बनारस जो था वो 5 जनपदों को का वो हेड क्वार्टर था, इसलिए वहाँ के सारे ऑफिसर मेन जो थे वो आपके बनारस में थे। ये सूचना आपके कलकत्ता में दी गई, जो उसका हेड ऑफिस था, पूरे इंडिया की कैपिटल थी, वहाँ पे दी गई, और मद्रास में दिया गया और बॉम्बे में दिया गया, जितने बड़े बड़े ईसाई मशीनरी सेंटर्स थे वहाँ पर इसकी सूचना दी गई। तो इस तरह से जिन लोगों ने लिखा कि गौसपुर में देहांत हो गया, ये एकदम बकवास है, उसके कोई साक्ष्य नहीं, कोई साक्ष्य नहीं है। उसके अंदर सारे लेटर्स लिखे हैं, गादीपुर के अंदर कंडोलेंस मीटिंग होती है, डेथ होती है, वो लिखा जाता है कि वो रात में इतने बजे, 3:30 बजे, 3:40 पे आखिरी सांस ली, ये सारे लेटर्स में लिखे हुए हैं सारे, और ये पब्लिश्ड है। वो मैंने वहाँ ब्रिटिश लाइब्रेरी में जो देखे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, मैंने बहुत से हम लाए भी हैं उसकी कॉपीज जी। तो दफन भी यहीं पे लाट करने वाले गादीपुर में वो 2.5, जैसे ये जो आप टॉम देख रहे हैं गोरा बाजार में लाट करने वाले इसका, ये चंदे से बना है। अच्छा। जो बंगाली क्रिश्चियंस थे या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे थे, मद्रास, यहाँ पूना, आपके इलाहाबाद में, गोरखपुर में, यहाँ से चंदा इकट्ठा किया गया, 1,22,000 रुपया चंदा इकट्ठा किया गया और तब ये बना है। ये चंदे की उसके चंदे से बना है। अच्छा। चंदे से बना है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका ये अधिकारी बना करके आया था यहाँ गवर्नर जनरल, उसने 20,000 रुपया दिया था, बस 20,000, और लोग चंदा से सब बना जो है, चंदे से 1,00,000 चंदा इकट्ठा किया गया था। और 1.5 साल के बाद जो है ना इसकी बुनियाद रखी गई है। अच्छा, मरने के बाद 1.5 साल के बाद ये टॉम की बुनियाद रखी गई है। और जिस दिन इसकी टॉम की बुनियाद रखी जा रही है, उस लेटर्स में नाम दिए हुए हैं कि कौन कौन अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे और किसने पहली ईंट रखी थी। अच्छा। जी, तब वो जो बिल्डिंग में जो ओल्डम जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो जहाँ पे उस जिस कोठी में डेथ हुई थी, वो 2.5 साल तक उसी में रहा, जहाँ डेथ होगी वहीं 2.5 साल तक वो सब मसाले वसाला जो थी उस पर लगा करके। अच्छा। मम्मी के तौर पर रखी गई। और जब ये 2.5 साल के बाद जब बन के तैयार हुआ ये टॉम, तब वहाँ से इसकी ओरिजिनल लाश ला करके वो जो निचला हिस्सा है ना वो उसमें दफन किया गया। ऊपर वाला तो ऐसे ही सुरक्षित, उस सुरक्षित बनाया गया है। हाँ, वो फ्लैक्समैन था, भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो जैसे स्कल्पचर जिसे कहा जाए, वो था मूर्तिकार, बहुत बड़ा था दुनिया का, फ्लैक्समैन इंग्लैंड लंदन का, वो हूबहू उतार देता था।
उसके हाथ में ऐसा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस या पत्थर से वो इतना अच्छा तराशता था, उसको ये काम दिया गया। तो 527 पाउंड स्टर्लिंग उसने उस स्टेचू का जो गादीपुर में लगा हुआ आप देख रहे हैं संगमरमर का आधा हिस्सा, फिर उसके नीचे उसकी पूरी जीवनी लिखी हुई है, फिर शोकमग्न अवस्था ब्राह्मण की है, मुसलमान की है, फिर एक सिपाही की है उल्टा हुआ, सब ये जो आप देख रहे हैं ना ये पूरा हिस्सा, ये 527 पाउंड स्टर्लिंग ने में लंदन में ये बनी है, वहाँ से बन करके पानी के जहाज़ से कलकत्ता आई है और कलकत्ता से फिर पानी के जहाज़ से यहाँ आकर के इस टॉम में लगी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आज भी मौजूद है। तो आपने बाहर जाके इसका अध्ययन किया, इसके बाद आपने कई किताबें भी लिखी हैं। मेरी 15 किताबें हैं जी। गादीपुर पे 11 किताबें हैं जो प्रकाशित हैं जी। और ख़ास करके मेरी अभी एक किताब आ रही है, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ना, ये अभी जब मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी से सारा कलेक्शन लाया तो फिर हमने सोचा कि इसको अंग्रेज़ी में किया जाए ताकि बड़े पैमाने पर गादीपुर के इतिहास को अन्य जनपदों के लोग जानें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, सारे लेटर्स जो हैं, मैं इसको अपनी अंग्रेज़ी वाली जो किताब आ रही है एंशेंट हिस्ट्री गादीपुर की, से लेकर के 1942 तक प्री इंडिपेंडेंस तक हम ये सब एक किताब उसी में शामिल, हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम कर रहे हैं जो अनपब्लिश्ड हैं, जो अप्रकाशित हैं जी। तो कहीं मिलेंगे नहीं? जो मिलेंगे नहीं, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में जो संरक्षित हैं वहाँ से ले आए हैं। तो एक नया अध्याय गादीपुर की हिस्ट्री को लेकर के खुलेगा। तो दोस्तों, आज हमारे बीच उबैदुर रहमान साहब थे जिनसे आज बात हुई, जिन्होंने बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ें बताई और इनकी किताबें ना कि आम लोग बल्कि IS PCS तक के लोग जो होते हैं वो भी पढ़ते रहते हैं और अध्ययन करते हैं, गाजीपुर के बारे में जानते हैं। इससे पहले SP साहब भी गाजीपुर में आए थे। हाँ, अभी बोत्रे साहब आए थे तो उन्होंने भी हमसे संपर्क किया था। और अभी यहाँ की जो टूरिज्म ऑफिसर हैं वो भी आई हैं, अभी आई हैं, लेटेस्ट आई हैं, तो उनके भी हम संपर्क में हैं, जो कि कुछ भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं है? तो वो सारा मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि एक अच्छा गादीपुर का एक इतिहास आ सके।